छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के मालगांव के छुई खदान में हुई दुर्घटना से पूरा गांव मातम में पसर गया। एक साथ 6 अर्थी उठी और 15 मासूमों के सर से मां का साया छिन गया। पूरे ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए घाट पर पहुंचे हुए हैं और एक साथ सभी अतिथियों को सजाया गया है और एक साथ सभी को मुखाग्नि दी। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पूर्व सांसद भी ग्रामीणों के दुख में शामिल होने पहुंचे थे। वे अर्थी को कंधा देते भी नजर आए। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ग्रामीणों को मुआवजा के तौर पर 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा जरूर की गई है, लेकिन इस राशि से ग्रामीण ना खुश हैं। उसके साथ ही पूर्व सांसद ने भी सरकार से 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की है। इतनी बड़ी लापरवाही और चूक किससे हुई, यह जाँच करने वाली बात होगी और उसकी जाँच भी जरूर करवानी चाहिए। इतनी बड़ी चूक से पूरे गाँव में मातम पसर गया है और पसरता भी कैसे नहीं, क्योंकि एक साथ 6 अर्थी उठी, 15 मासूमों के सर से उसके मां का साया जो छीन गया। फिलहाल सरकार के द्वारा 4-4 लाख रुपए की मुआवजा का घोषणा हुआ है। कल दुखद घटना, 6-6 लोगों को मृत्यु। छुई खदान में ये लोग छुई निकालने के लिए, लिपाई पुताई के लिए गए थे और जगदलपुर से पास में ही ये गाँव ना मालगांव, इसमें सरपंच के घर का भी एक जो है ना बाई खत्म, मतलब उस सुई खदान में दबकर खत्म हो गए। आज देखिए 5 लाश यहाँ पर अभी वो आ गया है। एक थोड़ा सा क्रिश्चियन धर्म होने की वजह से उसको क्या करेंगे नहीं मालूम। और आज यहाँ पर पूरे इस पंचायत के और आसपास के पूरे गांव के लोग यहां पर एकत्रित हैं और जिस प्रकार से घटना हुई है सभी लोग हतप्रभ हैं। हम लोग भी, मैं भी कल तो कांकेर में था लेकिन मैं आ गया और जैसे ही पता लगा कि घटना हुआ है तो मैं आज आया हूं। यहां पर देखिए ना सांसद दीपक बैज यहां पर पहुंचे, ना लखेश्वर बगल यहाँ पर पहुँचे और 4-4 लाख रुपये का मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। हमारी मांग है कि 4 लाख से कुछ होना जाना तो है नहीं, लेकिन 10-10 लाख रुपए अगर मिले यहाँ के लोगों को और इस तरह से पूरी जो है ना मालगांव कहना चाहिए शोकाकुल है और शोकाकुल परिवार को कुछ ना कुछ सांत्वना मिलना चाहिए। और इसके लिए हम मांग करते हैं भूपेश बघेल सिंह से कि आप ये 4 लाख नहीं बल्कि 10-10 लाख रुपया इन परिवारों को मिलना चाहिए, ताकि जो है ना, और जो घटना घटित हुई है इस घटना के लिए भी प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए कि इस प्रकार की, पहले फॉरेस्ट में निकालते थे फिर बाद में मना करने के बाद जो कोई नया जगह देखे होंगे तो अंदर जो है ना अंदर घुसे हुए थे और वहाँ पूरे के पूरे जो है ना खत्म हो गए। इसलिए हम सब हतप्रभ हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि